विराट कोहली आपको बहुत ज्यादा मिस किया जाएगा, वी विल रियली रियली मिस यू। इतनी जल्दी तो मैं छोड़ के मत जाए आप। अगर विराट और रोहित शर्मा पाकिस्तान में इनके स्टैचू ही बन जाए, लोग उनसे बड़ी मोहब्बत करते। विराट कोहली की स्लेजिंग, उनके ग्राउंड में जो मस्तियां और जो अग्रेशन है उसको मैं मिस करूंगा। रोहित शर्मा उनके छक्के, उनके चौके, उनका अग्रेशन जो मैंने इन मैचेस में देखा है, मैं वो मिस करूंगा। मैं इंडिया 17 सालों के बाद T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने घर लेकर चला गया और ये विराट कोहली की वजह से पॉसिबल हो रहा है। विराट कोहली का जहां T20 वर्ल्ड कप से दुख तो दे रहा है, लेकिन विराट कोहली का जो रिग्रेट था ना वो नहीं रहा। अब विराट कोहली बड़ा टूर्नामेंट, बड़ी ट्रॉफी, बड़ा चैंपियन बन के जा रहा है। हेलो दोस्तों, लेजेंड प्लेयर विराट कोहली साहब ने रिटायरमेंट की जैसे ही घोषणा की पूरे वर्ल्ड के अंदर हवाई जो क्रिकेट के प्रेमी थे वो भावुक हो गए हैं और पाकिस्तान की मांग हो रही है विराट कोहली साहब ने रिटायरमेंट ली, हमारा कोच बन जाओ भाई, कुछ सिखाओ हमें। आप लोग वीडियो देखिए और विराट कोहली साहब के लिए लाइक और कमेंट सेक्शन में हर्ट जरूर भेजें। वीडियो शुरू करते हैं। द बिग प्लेयर्स परफॉर्म एट बिग स्टेजेस, तो कोहली इज नो डाउट अ वेरी गुड प्लेयर एंड ही वंस अगेन शोड दैट व्हाई ही इज नोन एज विराट कोहली। और यही हम देखें तो जब T20 वर्ल्ड कप था पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच जो हम हार गए थे अनफॉर्चुनेटली, उसमें भी 3 ओवर में 42 रन चाहिए थी और कोहली ने बना दिए। रोहित और विराट की वजह से इंडिया टीम सजती है, प्यारी लगती है। सर, विराट कोहली और रोहित शर्मा ने T20 क्रिकेट को खैर बात बोल दिया है, कैसी क्या फीलिंग है आपकी? यार सीधी सी बात है, विराट कोहली ने कहा था मैं कोई रिग्रेट नहीं छोड़ूंगा, उसने T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी ले ली है, वो T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेके अब जो है क्रिकेट को खैर बात भी कहते कोई फर्क नहीं पड़ता। विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप इंडिया को जिता दिया है, इंडिया के विराट कोहली की वजह से आज T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीत चुका हुआ है। अब सारी टीमें सिर्फ इंडिया की तरफ देख रही है, तक रही है और इंडिया T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने घर लेके जा रहा है सिर्फ विराट कोहली की वजह से। जैसे जैसे परफॉर्मेंस दिया, आज विराट कोहली का 76 स्कोर ना होता इंडिया ये ट्रॉफी नहीं जीत सकता था। आज विराट कोहली ने जीत के बताया कि परफॉर्म कैसे करते हैं पूरे मैचेस के अंदर। रोहित शर्मा ने जितना विराट कोहली को सपोर्ट किया ना किसी को नहीं किया होगा, ये है कैप्टन, उसने कहा था विराट कोहली को तू खेल तू जीतेगा। विराट कोहली ने कहा खेलना, वो लड़ा और आज विराट कोहली ने फाइनली बड़े मैच के फाइनल के अंदर आगे T20 वर्ल्ड कप के अंदर आगे परफॉर्म करके इंडिया को T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बना दिया और इंडिया इस टाइम सब टीमों से बड़ी टीम बन गया। 20 टीमें थी, इंडिया सारी टीमों को पछाड़ के सबसे बड़ी टीम बन चुका हुआ है। इंडिया 17 सालों के बाद T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने घर लेकर चला गया और ये विराट कोहली की वजह से पॉसिबल हो रहा है। विराट कोहली का जहां T20 वर्ल्ड कप से दुख तो दे रहा है, लेकिन विराट कोहली का जो रिग्रेट था ना वो नहीं रहा। अब विराट कोहली बड़ा टूर्नामेंट, बड़ी ट्रॉफी, बड़ा चैंपियन बन के जा रहा है। वो लेजेंड, वो सितारे जिनको हम देखने के लिए तरसते थे, जिनकी एक एक पिक्चर के लिए हम तरसते थे, विराट कोहली और रोहित शर्मा किंग है दोनों यार, दोनों एक दूसरे से बढ़के हैं। और यकीन जानिए जैसा कि विराट कोहली चल नहीं पा रहे थे पूरे टूर्नामेंट के अंदर, तो मैं इस चीज़ को लेकर बड़ा परेशान था। अगर आज भी ना चल पाए, बाद में रिटायर हो गए, तो हम हमेशा तरसते रहेंगे उनके सिक्सर के लिए, उनके फोर्थ के लिए। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, आज के मैन ऑफ द मैच भी वो रहे हैं और उन्होंने ही मैच को विन करवाया। लेकिन हम हमेशा उनको मिस करेंगे, हमेशा उनको याद करेंगे, बल्कि मैं यही कह सकता हूँ कि हम उनके मैच बार बार रिपीट करके देखेंगे। कितना अजीब लगेगा जब टीम इंडिया में ना विराट होगा ना रोहित होगा, T20 में उतरेंगे, मजा नहीं आएगा। मैं ये समझता हूँ कि है तो सब प्लेयर्स एक दूसरे से बढ़ के हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो ये हमारा परचम है वो चांद सितारे थे सजता है, वही चीज वो उनमें है। रोहित और विराट की वजह से इंडिया टीम सजती है, प्यारी लगती है। हाँ, ये था कि कोहली एक बड़ा नाम था, उसके फैंस को लेके हम खुद कोहली के फैन रहे हैं और उसकी गेम रही है और उस बंदे में वो एबिलिटी रही है कि पहले वो स्टार्ट में स्लो खेल के आए, लास्ट में जाके अगर 3 ओवर में 40 रन पड़े हो तो वो बना सकते हैं। इतना बड़ा जो विराट कोहली का फेयरवेल हुआ है, लाइक देखें T20 से खैरबाद भी बोल दिया, अभी टीम को वर्ल्ड कप जितवा दिया, पूरे वर्ल्ड कप में स्कोर नहीं किया, आज 76 कर लिया। यही तो हम कहेंगे द बिग प्लेयर्स परफॉर्म एट बिग स्टेजेस, तो कोहली इज नो डाउट अ वेरी गुड प्लेयर एंड ही वंस अगेन शोड दैट व्हाई ही इज नोन एज विराट कोहली। और यही हम देखें तो जब T20 वर्ल्ड कप था पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच जो हम हार गए थे अनफॉर्चुनेटली, उसमें भी 3 ओवर में 42 रन चाहिए थी और कोहली ने बना दिए। दैट मीन कि उस बंदे के पास वो एबिलिटी है कि लास्ट में जाके अगर आपको 14-15 रन पर ओवर के एवरेज से चाहिए हो तो वो बना सकते हैं और आज भी उसने यही किया। जब स्टार्ट में विकेट गए उसने स्लो खेला, रन बॉल खेला और लास्ट में जाके फिर उसने दिखाया कि व्हाट कोहली कैन डू, शॉट्स भी मारे, कुछ बाउंड्रीज भी आई और मोर ओवर के वर्ल्ड कप जीते। वर्ल्ड कप आज का मैच बहुत ही आप कह लें कि अनबिलीवेबल मैच था, बिल्कुल लग नहीं रहा था इंडिया जीतेगा, कभी लगता था साउथ अफ्रीका जीतेगा और 15th ओवर के बाद तो यही था कि यार अफ्रीका यू हैव डन इट, अ लिटिल मोर थिंग टू पुल द वर्ल्ड कप टू योर कंट्री, टू योर साइड। और यहाँ पे हम इंडिया को आप कह लें कि रोहित शर्मा की कैप्टनसी की, इंडिया की जो टीम वर्क की, हम बहुत ही आप कह लें उनको अप्रिशिएट करना होगा कि कैसे उन्होंने इसको हैंडल किया और बुमराह के ओवर स्पेशली हर्षदीप के वहाँ पर फील्डिंग उन्होंने बहुत अच्छी की। और कोहली के एक तरह से रहेगा कि यार कोहली को देखना एक बड़ा नाम था हमेशा, जब कभी भी हम चाहते थे कि ऐसी गेम हो तो उस बंदे ने ऐसी गेम की है। लेकिन ये है कि जो बड़े बड़े प्लेयर जिससे पहले भी थे एबी डिविलियर्स, वो मतलब अब हमेशा तो नहीं खेलेंगे,
आने वालों के लिए भी तो आप एक अपॉर्चुनिटी छोड़ के जानी होती है, और ये कि एक अच्छा एंड था जब उसका पीक टाइम चल रहा था, उसी के अंदर उसने रिटायरमेंट भी ली और मोर ओवर के वर्ल्ड कप विनर था। इवन विराट कोहली भी बहुत सारे स्टेटस भी देखते हैं जब आता है यहीं तक था सफर अपना, लाइक क्या कितना अजीब लगेगा ना, हमें बहुत सारे यहाँ पे लड़के मिलते जो टीम इंडिया के फैन के साथ साथ ज्यादा वो विराट कोहली के फैन है, जब विराट कोहली के बगैर टीम इंडिया टी20 में उतरेगी थोड़ी अजीब नहीं लगेगी? सब होगी, एक फील रहेगी कि विराट कोहली जो है मिसिंग है। पहले ये था कि किसी एक आध मैच भी नहीं खेल रहे, अभी ये है कि परमानेंटली वो मिसिंग है, लेकिन क्योंकि IPL है, बाकी लीग्स हैं इंडिया में, उनकी जो लोकल लीग्स भी हैं, तो दैट मीन कि विराट कोहली तो आपको कहीं ना कहीं दिखेंगे, T20 फॉर्मेट में भी दिखेंगे, IPL में तो डेफिनेटली हम चैंपियन ट्रॉफी खेले तो पाकिस्तान जरूर एक दफा आएंगे, क्यों मानते हैं? जी जी, ये तो हम डेफिनेटली हम चाहते हैं यार कि वो यहाँ पे एक आए, बहुत सारे फैंस हैं, और अगर हम वैसे भी देखें तो मतलब हम लाइव देखना चाहते हैं यार कोहली को, वो बंदा कैसे बैटिंग करता है पाकिस्तान के अंदर, तो ये तो हमारे कहले के बहुत ही ज्यादा जॉयफुल रहेगा हमारे लिए कि कोहली आए और पाकिस्तान में बैटिंग कर रहा हूँ। देखिए, एक ना एक दिन तो सबने रिटायरमेंट लेनी होती है, लेकिन तकलीफ इस बात की है कि उन जैसे प्लेयर्स को हमें दोबारा देखने के लिए एक पहले अपने दिल को उसके लिए एग्री करवाना पड़ेगा दिल को, और एक उनको पूरी एक पेस बनानी पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि उनकी जो स्पेस है वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती, उनकी जगह हमेशा खाली रहेगी और वो हमारे हमेशा दिलों में रहेंगे कि जब ODI T20 और कोई भी सीरीज हो उसमें जब भी आप टीम इंडिया उतरेगी तो उसमें विराट कोहली या रोहित शर्मा नहीं होंगे तो मुझे तो इनकम्प्लीट लगेगी वो टीम। मैं समझता हूँ कि उनकी होना एक खुशी का बाइस था मेरे लिए, मैं उनके बगैर टीम को इनकम्प्लीट देख रहा हूँ और वो कभी भी जगह पूरी नहीं हो सकती। देखिए, हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं विराट और रोहित के बगैर टीम इंडिया उतर रही है, लाइक हमें तो समझ नहीं आती यार, बहुत सारे ऐसे फैंस हैं जो सिर्फ विराट की बैटिंग देख रही है, टीम इंडिया के मैच देखते हैं। देखिए, एक ना मैं एक बात आपको बताता चलूं कि इंडिया जो क्रिकेट है ना वो हमेशा कम्प्लीट इन दोनों के साथ होती है, एक ना खेल रहा हो तो एक जरूर खेल रहा होता है, तो आपको आसरा होता है कि यार ये इसकी आप ना एक अंदर से आपको ना विल होती है कि यार आज इंडिया जीतेगा, क्योंकि आपके साथ जो दो बड़े नाम उनमें से कोई एक भी जो अगर आपके उन दोनों में से कोई दोनों नहीं होंगे तो मैं समझता हूँ कि पहली बात तो आपका वो इंटरेस्ट नहीं होगा मैच देखने का, देखेंगे लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, आपकी उम्मीदें उस तरह से नहीं लगाएंगे टीम के जीतने के साथ जो पहले लगाते आए हैं। टीम इंडिया फुल ऑफ प्लेयर्स के साथ है, लेकिन जो विराट कोहली और रोहित शर्मा उनकी स्पेस को मैं समझता हूँ कि दुनिया इधर से उधर हो जाए कभी। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा, यानी कि देखिए भाई, ना ही विराट कोहली साहब ने, साथ में लेजेंड प्लेयर रहे हैं जो भारत को, क्रिकेट को जिन्होंने संजोया है, क्रिकेट को यहां तक लेके आए हैं, क्रिकेट को हर भारतीय के दिल में बसाया है, क्रिकेट को हर विश्व के अंदर भारत को दर्जा दिलाया है, क्रिकेट को यानी कि क्रिकेट आज एक ऐसा हो गया है हर भारतीय का दिल इस चीज के लिए धड़कता है, वो क्रिकेट खेलो या ना खेलो। कल रात भाई पूरा भारत नहीं सोया था, और अब जो लेजेंड प्लेयर, देखिए मैं जिनके नाम लेना चाह रहा हूँ, कल वर्ल्ड कप के अंदर भाई जितनी खुशी थी उतना ही एक खुशी साथ में एक गम भी था, रोहित शर्मा, विराट कोहली और साथ में रविंद्र जडेजा हैं, उन्होंने है जो T20 फॉर्मेट से है अभी संन्यास ले लिया है, घोषणा कर दी है उन्होंने। और देखिए भाई, जिस समय सचिन तेंदुलकर और गौतम गंभीर भाई, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़, युवराज सिंह, वो एक दौर था जब क्रिकेट खेला जाता, उस दौर के बाद भाई MS धोनी आए, फिर भाई अभी विराट कोहली जो T20 फॉर्मेट से जा चुके हैं, रोहित शर्मा जा चुके हैं, यानी कि भाई यंगस्टर आ रहे हैं, उनको भाई थोड़ा दिल में बसाने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि पहला किराएदार कमरा खाली नहीं कर रहा है। आप लोग क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें, और इन लेजेंड्स के लिए आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में रखें, इन्होंने भारत का तिरंगा हर वक्त ऊँचा रखा है। आप लोग क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। जय जवाहर, जय श्री राम।